हमारा पहला सवाल है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है पाथफाइंडर। दूसरा सवाल है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 73 मीटर। तीसरा सवाल है, मक्का मदीना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। चौथा सवाल है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर को। पांचवा सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट। छठवां सवाल है, सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खान को। सातवां सवाल है, कोलार की खान किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है सोना, यानी कि गोल्ड के लिए। आठवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट करें, बाद में आंसर देखा करें। इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। नौवां सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप रोज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इसका सही आंसर है, भारत दो गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। दसवां सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।